Mahant Nritya Gopal Das is the president of Ram Janmabhoomi Nyas, the trust that has the sole charge for construction of a temple where the Babri Masjid once stood. Member of VHP's Margdarshak Mandal, Nritya Gopal Das is an accused in the Liberal Commission of Inquiry. He tells the reporter that Kalyan Singh had made an immense contribution to the movement and that an impossible task had been achieved. In his words, Bhagwan Ram ki kripa se jo asambhav karya tha, wo sambhav ho gaya. भगवान राम की कृपा से जो असंभव कार्य था वो संभव हो गया। इसमें है सेना रेड्डी प्रधानमंत्री कल्याण सिंह, इनका बड़ा सहयोग रहा है। वो विवादित ढांचा था वो विराजमान ध्वस्त हो गया। तो एक बहुत बड़ा काम जैसे जो मुख्य था वो हो गया। और राम लला विराजमान है वहाँ, ये नहीं कहने के लिए होगा कि हाँ मस्जिद की है, अब तो विशुद्ध राम लला है। पहले जितनी तेजी से काम हो रहा था, लोग जुड़े थे। नृत्य गोपाल दास टेल्स द रिपोर्टर दैट एनी फर्दर डेवलपमेंट इन द मैटर वुड अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। व्हेन आस्क्ड If L.K. Advani was unhappy about the demolition of the Babri Masjid, Nritya Gopal Das says that the demands of his teacher makes him adopt a politically correct position. He says, उन्होंने थोड़ा सा उस समय जो हल्ला मचा रहे थे, तोड़ने जा रहे हैं, काफी वरिष्ठ नेता होने के नाते उनका ये कर्तव्य हो जाता है कि भाई हाँ, मत तोड़िए, ऐसे ही झूठ मूठ हल्ला गुल्ला। हम तो वहीं संकल्प में बैठे हुए थे। अडवाणी जी का उसी प्रकार से भाव है और भावना है, हम उनका सम्मान करते हैं, बुजुर्ग नेता है, पर अवस्था उनकी ज्यादा होने के कारण वो थोड़ी सक्रियता नहीं रह गई। और तो बाकी तो वो लगे हुए उसी प्रकार से जैसे पहले, नहीं पहले जैसे सोमनाथ से रथ चलाया नहीं, वो ठीक है ना, थोड़ी अवस्था ज्यादा होने के कारण से पूरा, इसलिए वो उनके प्रति हम लोगों की भावना है, उनका लक्ष्य भी है, हमारे साथ में भी है, परंतु वो थोड़ा सा हमारा अवस्था के कारण से पूरा। 6 दिसंबर को जब ढांचा ध्वस्त हुआ उस समय अडवाणी जी, हमने सुना, हमने कई संतों से मुलाकात की और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से मुलाकात की, सबने यही कहा कि अडवाणी जी रोक रहे थे। ये बिल्कुल बिल्कुल आप तो थे वहाँ पर, हम लोग थे, अडवाणी जी इत्यादि जितने विश्व हिंदू परिषद के सभी नेता थे, सभी लोग थे, कोई रोका टोका नहीं, पूजन कराए, इधर पूजन हो रहा था, उधर सब काम किया, सबकी रुचि थी, सबकी भावना जुड़ी हुई थी, ऐसी बात। ये तो थोड़ा सा ऐसा है ना, जो भी नेता होता है या पद पर होता है उसकी मर्यादा होती है, तो उन्होंने थोड़ा सा उस समय जो हल्ला मचा रहे थे, तोड़ने जा रहे, कोई वरिष्ठ नेता होने के नाते उनका ये कर्तव्य हो जाता है कि भाई हाँ मत तोड़े। According to Nritya Gopal Das, what Advani was doing was a hogwash to cheat the nation. He could have actively stopped the sons from taking the oath to destroy the mosque. By choosing to not stop them, he passively facilitated the destruction of the mosque while appearing innocent and bereaved after the demolition. संकल्प कराने से ही मना कर दिया था जब संकल्प ना ऐसा जी, हम तो वहीं से संकल्प में बने, ये मना मतलब कुल उन्होंने की थी, केवल राष्ट्रीय स्तर के नेता होने की था, तो क्या करें, ऐसे झूठ मूठ हल्ला गुला संकल्प हुआ, हम तो वही संकल्प में ही बैठे हुए। संकल्प क्या संकल्प था? संकल्प ये हुआ कि वो ध्वस्त हो जाए।
लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।